भाई साहब यार, मैंने तो सच में ही अपने इंडियन बाइक ड्राइव 3D गेम के अंदर मल्टीप्लेयर मोड लेकर इसे खेलकर एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो हाँ गाइस यार, मैंने फाइनली अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मैं ले चुका हूँ मल्टीप्लेयर मोड। हाँ गाइस, देख सकते हो इसे किस प्रकार खेलकर एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। और गाइस यार, मैं अभी तुम लोग को फुल लाइव प्रूफ इसका गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ और तुम लोग को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार तुम लोग अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में कौन सा चीट कोड डायल कर मल्टीप्लेयर मोड ले सकते हो। अगर यार तुम लोगों को मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड जानना है तो तुम लोग को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं वीडियो में आज तुम लोग को कहीं भी इनका चीट कोड बता सकता हूँ। तो चलो तुम लोग को बिना देरी करे सबसे पहले इनके चीट कोड के बारे में बता देता हूँ। गाइस यार, तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक करके दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर पता चल जाए कि मल्टीप्लेयर मोड कैसे लेना है। और गाइस यार, तुम लोग को आज की वीडियो में बिल्कुल ही तुम लोग को पता लग जाएगा कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड क्या होने वाला है और कैसे तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट करना है। तो गाइस, तुम लोग को ये सारा चीजें तो पता लग जाएगा, तो चलो मैं तुम लोग को बता देता हूं अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में इसका चीट कोड क्या होने वाला है। गाइस यार, यहां पर देख सकते हो मैंने जैसे ही अपने गेम के अंदर में सीक्रेट चीट कोड डाला तो यहां पर मेरा मल्टीप्लेयर मतलब सेकंड वाला प्लेयर यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो। हाँ यार गाइस, अपन लोग जैसे चीट कोड डालते ना तो अपना सेकंड वाला कैरेक्टर ना इन्फोनाइट से आता है, और देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इन्फोनाइट से कैरेक्टर आ चुका। और अब चलो इसके साथ अपन लोग फाइटिंग वगैरह भी करने वाले हैं। तो चलो यार, अपन लोग ना सबसे पहले इसके बारे में तुम लोग को पूरा गेम प्ले बता देता हूँ, फिर तुम लोग को बता दूंगा कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में इसका सीक्रेट चीट कोड क्या होने वाला है। देख सकते हो गाइस, ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल टकले होने वाले, एक दूसरे को बिल्कुल घूर रहे हैं कि क्या हम लोग भाई भाई हैं। तो चलो वो सब तो छोड़ो, अपन लोग चलो अब इनकी फाइट कराना है अपन लोगों को। तो गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ इनकी फाइट बिल्कुल बाहर जाकर कराया जाए, तो चलो अपन लोग रोड में जाकर बाहर जाकर इन दोनों की फाइट कराते। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं फाइनली यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ, और अब देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मेरा व्हाइट वाला कैरेक्टर व्हाइट कपड़ों वाला और रेड कैरेक्टर वाला अपना सेकंड मतलब दोस्त होने वाला, उसके ऊपर देख सकते हो मैंने जैसे फाइट कराऊं तो देख सकते हो इसके ऊपर जैसे मैंने फेस किक मारा तो यहाँ पर अपना सेकंड कैरेक्टर मतलब मरने लगा है। हाँ गाइस यार, अपन लोग जैसे अपने सेकंड कैरेक्टर को मारते ना तो मैंने सुना है कि अपना कैरेक्टर ना इन्फिनाइट में वापस चला जाता, तो देखते जाता या नहीं। तो गाइस देख सकते हो ये फाइनली इन्फिनाइट में जा चुका है। अब चलो मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में इसे लेने का तरीका बता देता हूँ। साथ ही में गाइस, मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ बिल्कुल दो दो महिंद्रा थार चला रहा हूँ। तुम लोग को ये वाली थार भी कैसे चला सकते हो, दो दो थार तुम लोग अपने गेम के अंदर में, ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को। और देख सकते हो यार, मैं यहाँ पर अपनी सेकंड थार के साथ कितनी भयानक की फाइट कर रहा हूँ। तो चलो तुम लोग को अब बिना देरी करे बता देता हूँ, सबसे पहले तुम लोग को दो थार वाला बताता हूँ, फिर तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड वाला कैरेक्टर का चीट कोड बताता हूँ। चलो यार, सबसे पहले मैं तुम लोग को कार फाइट वाला मैंने मल्टीप्लेयर मोड कैसे लगाया था तुम लोग को वो पता देता हूँ। तो गाइस, तुम लोग को कार फाइट वाला मल्टीप्लेयर मोड लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग को 9090 डायल करके अपनी मॉडिफाइड थार को बोला लेना है। और गाइस यार, जो जो मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर तुम लोग भी उसी प्रकार अपने गेम के अंदर में करते जाना। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 9090 को डायल करके मॉडिफाइड थार को बोला लिया, उसी प्रकार 9191 डायल करके ओल्ड थार को बुलाना है। तो गाइस यार, देख सकते हो मैंने यहाँ पर 9191 डायल करके अपनी ओल्ड थार को बोला लिया। अब तुम लोग क्या करना है, आगे उस थार के ऊपर मतलब कलर चेंज कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर लिया हूँ जिसमें सेम ना देखे। और अब गाइस, इस थार के ऊपर बैठकर अपन लोग को कुछ नहीं करना है, इसे एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे धीरे धीरे उस थार के पास ले जाने वाला हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो जिस प्रकार मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, तुम लोग को भी उसी प्रकार करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। तो अपन को गाइस अपनी मॉडिफाइड थार के ना देख सकते हो जिस साइड से गेट खोलते हो उस साइड से बैठते ना उधर साइड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली मैंने इस तरह से उसे धीरे धीरे अपनी थार को आगे ले जाकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग को भी उसी प्रकार करते जाना। देख सकते हैं गाइस, जितनी दूरी मेरी थार की गाइस उतनी दूरी तुम लोग को भी रखते जाना है, और आप कुछ नहीं करना, अपनी थार से उतर जाना है। तो देख सकते हैं बाहर अपन तार के बोनेट के ऊपर आगे पर उतर कर अपन को थोड़ा सा आगे जाकर फिर उसी थार में बैठ जाना है। तो देख सकते हो दोनों थार के गेट खोलेंगे यहाँ पर। तो गाइस यार, दोनों थार के गेट खोलेंगे मतलब समझ जाना हमारी ट्रिक वर्क करने वाली। और अब देख सकते हो मैं आगे पीछे करता हूँ अपनी थार, तो दोनों थार यहाँ पर चलने लगते हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरा सेकंड कैरेक्टर खेल रहा है, इससे अपन बने अपडेट करके खेल सकते इस वाले गेम प्ले को। और देखिए यार, अभी मैं तुम लोग को ना थार फाइट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों गेट खोल रहे हैं, अपने सामने वाले के भी तो पीछे वाले के भी खोल रहे हैं। और अब देख सकते हो यहाँ पर मैं दोनों थारों की फाइट करा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मल्टीप्लेयर मोड खेल रहा हूँ सचमुच। बाकी गाइस यार, मैंने तुम लोग को बता दिया अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में तुम लोग दोनों थारों के साथ कैसे खेल सकते हो। अब चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में किस प्रकार तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड लेना है। तो चलो गाइस यार, तुम लोग को बता देता हूँ अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में न्यू चीट कोड, और साथ ही मैं तुम लोग को उन्हीं न्यू चीट कोड के साथ में बता दूंगा मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड। हाँ, और वीडियो को स्किप नहीं करना तुम लोग, और साथ ही मैं दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि गाइस यार उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में हो चुका है मल्टीप्लेयर मोड, और अपन लोगों को भी पता
पता चल गया तो अपने दोस्तों को पता होना जरूरी है। तो चलो मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइट ड्रैम थ्रीडी गेम के अंदर में बता देता हूँ मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड। तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब की कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लेना। तो मैं तुम लोग को सबसे पहले कुछ चीट कोड बता देता हूँ और उन्हीं चीट कोड के बीच में मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड बता दूंगा। तो 600 डायल करो तो यहाँ पर तुम्हारा ड्राइव करने वाला डॉग आ जाएगा। अभी मैं इसको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ पर चलो गाइस मैं इसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो 9x9 mil जैसे डायल करेंगे तो यहाँ पर अपनी मॉडिफाइड थार आ जाती है। अब चलो मैं तुम लोग को बाद इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ अपनी बोट का चीट कोड। तो 3001 डायल करोगे तो यहाँ पर अपनी बोट भी आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मेरी यहाँ पर बोट आ चुकी है। अब मैं चलो तुम लोग को अपनी इंडियन ड्राइव थ्रीडी गेम की मॉडिफाइड थार का चीट कोड बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अपनी मॉडिफाइड थार रिमूव हो गई। तो चलो उसका चीट कोड बता देता हूँ। तो उसका चीट कोड गाइस 9090 ही होने वाला है। तो चलो यार मैं तुम लोग को इसके बाद अपने जल्दी से नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। गाइस मैं तुम लोग को थोड़े से चीट कोड बताने वाला हूँ, गिनती के चीट कोड बताने वाला हूँ और उसी चीट कोड के बीच में तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो 0015 डायल करोगे तो यहाँ पर अपनी यामा की मॉडिफाइड बाइक आ जाएगी। चलो गाइस मैं इसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस अपनी इंडियन बाइक ड्रम थ्रीडी गेम का नेक्स्ट चीट कोड होने वाला 5000। अपन लोग 5000 डायल करेंगे तो यहाँ पर अपनी पल्सर बाइक भी आ जाएगी। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस यार अपन लोगों का इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड होने वाला देख सकते हो 8888। हाँ गाइस देख सकते हो अपन लोग 8880 जैसे ही डायल करेंगे तो यहाँ पर अपनी हैमर कार आ जाएगी। तो अब चलो इसके बाद जेसीबी का जी भी चीट कोड बता देता हूँ तुम लोगों को। तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पर मैंने 6677 जैसे डायल करा तो यहाँ पर मेरी आ चुकी फाइनली, मतलब देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी मेरी जेसीबी। अब चलो मैं तुम लोग को इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ अपना। तो अब गाइस मैं तुम लोग को ना अपने न्यू वाला हेलीकॉप्टर का चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का न्यू वाले हेलीकॉप्टर का चीट कोड 8000 होने वाला देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8000 डायल करके अपना न्यू वाला हेलीकॉप्टर यहाँ पर बोला चुका हूँ। चलो यार मैं तुम लोग को इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ अपना। तो गाइस इसके बाद अपन लोग अपन जैसे ही 50 डायल करेंगे ना तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायनासोर आ जाता है। अब चलो तुम लोग को इसके बाद टीरेक्स डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ। तो टीरेक्स डायनासोर का चीट कोड ना 51 होने वाला। और गाइस मैं तुम लोग को जो भी चीट कोड बता रहा हूँ ना वो अभी अभी लास्ट अपडेट में एड हुए। तो देख सकते हो अपना टीरेक्स डायनासोर यहाँ पर आ चुका है पर अपन लोग इनको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो अपना स्पाइनासोर का चीट कोड देख सकते हैं यहाँ पर 52 होने वाला। चलो मैं तुम लोग को बिज डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ। उसके बाद यार अपनी इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का बिज डायनासोर का चीट कोड देख सकते हैं यहाँ पर 53 होने वाला। तो गाइस यहाँ पर मैंने तुम लोग को अपने निर्मल ड्राइव थ्रीडी गेम के अंदर में जितने भी डायनासोर ऐड हुए थे ना पर उनको ड्राइव नहीं कर सकते, उनके चीट कोड तो बता दिया। तो गाइस यार अब बचे हैं थोड़े से चीट कोड तुम लोग को बताने के लिए। अब इन चीट कोड के बाद में तुम लोग को अपने निर्मल ड्राइव थ्रीडी गेम के अंदर फाइनली, मतलब इन्हीं चीट कोड के बीच में तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड। तो चलो अब तुम लोग 8123 डायल करोगे तो अपनी मस्टंग कार भी आ जाएगी। चलो मैं तुम लोग को इसके बाद अपना नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ अपने निर्मल ड्राइव थ्रीडी गेम का। तो अब मैं तुम लोग को ना सुपर कार का चीट कोड बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2244 डायल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी सुपर कार आ जाएगी। वीडियो स्किप नहीं करना, तुम लोग शुरू से बोल रहा हूँ तुम लोगों को। चलो गाइस मैं तुम लोग को ना अपनी फरारी कार का भी चीट कोड बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, फिर तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड बताना है। तो 8811 जैसे डायल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी फरारी कार भी तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलो तुम लोग को इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तुम लोग गाइस यार यहाँ पर जैसे 200 डायल करोगे ना तो यहाँ पर अपना हॉर्स आ जाएगा और अपना हॉर्स का कलर वगैरह तो अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम लोग को तो पता ही। इसके बाद अपन लोग आर्मी टैंक का कलर, मतलब आर्मी टैंक में आ जाते तो आर्मी टैंक का 40-40 डायल करो तो चीट कोड आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन सभी चीजों का चीट कोड पता, पर बहुत से लोगों को चीट कोड पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। उन्हीं चीट कोड के बीच में तुम लोग को शायद देखने के लिए मिल गया होगा मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड। तो तुम लोग 50-50 डायल करोगे तो यहाँ पर तुम लोग को बेलो से लेफ्टर मिल जाएगा पर ड्राइव करने वाला। चलो मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का न्यू वाला फायर ट्रक का चीट कोड बता देता हूँ जिसका चीट कोड 606 होने वाला। अब चलो मैं तुम लोग को इसके बाद नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस यार मैं तुम लोग को ना अपनी स्कॉर्पियो का चीट कोड बता देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे 333 डायल करूंगा तो यहाँ पर मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक आ जाती है। अब चलो तुम लोग को स्कॉर्पियो S11 का भी चीट कोड बता देता हूँ। तो 4444 डायल करेंगे तो स्कॉर्पियो S11 आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने जैसे 444 डायल करा तो यहाँ पर मेरी स्कॉर्पियो S11 भी आ चुकी है। अब चलो तुम लोग को मैं इसके बाद अपना नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ पुलिस कार का। तो 100 डायल करोगे तो यहाँ पर अपनी पुलिस कार आ जाएगी। इसके बाद अपना अगला चीट कोड होने वाला 101। हाँ गाइस देख सकते हो मैं अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के अंदर मैं जैसे 101 डायल करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बड़ी वाली पुलिस कार आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर मेरी बड़ी पुलिस कार आ चुकी है। तो अब चलो मैं तुम लोग को इसके बाद अपना नेक्स्ट चीट कोड बता देता हूँ अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का। तो गाइस अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का 1000 जैसे डायल करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर अपनी न्यू वाली फॉर्च्यूनर कार भी आ जाती है। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने बता दिया तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के जितने भी चीट कोड वगैरह ऐड हुए थे ना पिछले अपडेट में, मैंने तुम लोग को बहुत सारे चीट कोड वगैरह तो बता दिया। अब मैं चलो तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम का बता देता हूँ तुम लोग को मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड। यार गाइस मुझे पता तुम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हो तो अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी क्योंकि अब मैं तुम लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम में बताने वाला हूँ मल्टीप्लेयर मोड को लेने का चीट कोड। हाँ गाइस उसका चीट कोड बताने वाला हूँ बिल्कुल। तो गाइस यार मैं बता दूं सबसे पहले अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के अंदर मैं हो चुका है तो मल्टीप्लेयर मोड मैंने तुम लोग को गेम प्ले तो दिखाई दिया पर मैं बता दूं उसका अपडेट रोहित सर ने अभी तक अपन लोग को अपने इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के अंदर में नहीं दिया। गाइस यार अब तुम लोग बोलोगे कि ये
ऐसी बात, तुम लोगों ने तो अभी खेल कर दिखाया हो भाई, तुम लोगों ने अभी गेम प्ले खेल कर दिखाया, तो गाइस मैंने तुम लोग को जो भी गेम प्ले अभी खेल कर दिखाया ना, तब रोहित सर ने सेंड किया था तुम लोग को बताने के लिए, तो इसलिए गाइस मैंने तुम लोग को अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम का गेम प्ले तुम लोग को खेल कर दिखाया था, जो भी था मैंने मतलब जो भी मतलब रोहित सर ने जो गेम प्ले भेजा था ना, मैंने तुम लोग को वो वाला गेम प्ले दिखा दिया था। तो अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के नेक्स्ट अपडेट में ये एड होने वाला है गाइस। यार अपन लोग को अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम की अपडेट की नेक्स्ट डेट देखने के लिए अभी तक नहीं मिली, अपन लोग को पता ही नहीं है कि अपना इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम का नेक्स्ट अपडेट कब आने वाला है, ऐसी कोई अभी डेट फिक्स वगैरह भी नहीं हुई। मैं तुम लोग को अभी ये भी बता देता हूँ गाइस, अब तुम लोग को क्या करने में बताने वाला हूँ, तुम लोग को अगर अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के अंदर में रोहित सर और पूछना चाहते कि अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के अंदर में क्या ऐड किया जाना चाहिए, तो अब तुम लोग को कमेंट करके बताना इस वीडियो पे, जल्दी जाओ कमेंट कर अपनी डिमांड बताओ। तो गाइस यार तुम लोग को इस वीडियो पर भर भर के कमेंट करना है, जिससे कि रोहित सर अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के अंदर में जल्दी से ऐड कर दे अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के अंदर में और ज्यादा अमेजिंग चीज, जैसे तुम लोगों ने मल्टीप्लेयर मोड को लेकर कमेंट किया था, उसी प्रकार तुम लोग को अपनी डिमांड को लेकर कमेंट करना है। बाकी गाइस यार मैंने तुम लोग को जो भी मल्टीप्लेयर मोड खेल कर दिखाया अभी उस पर थोड़ा सा वर्क जारी है, इसलिए अपन लोग को अभी पूरा गेम प्ले देखने के लिए नहीं मिला अच्छे से। तो चलो गाइस यार मैंने तुम लोग को अपने इंडियन बाय ड्रम थ्री गेम के अंदर मैं बता चुका हूँ पूरा मल्टीप्लेयर मोड से रिलेटेड पूरी डिटेल, तो चलो मैं तुम लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।